पवन खेरा इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द अलेजेड मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। सरकार को पिछले दो सालों से सतत एक जैसा प्रयत्न शुरू है कि उसको किसी प्रकार से अस्थिर किया जाए, उसे कमजोर किया जाए, वहां पर सत्ता परिवर्तन किया जाए, और इसके चलते हुए समय समय पर वहां के विधायकों से संपर्क साधकर, उनको आतंकित कर, उन्हें लोभ लुभावन देकर ये कोशिश सतत चालू रही है। इससे पहले भी चंद महीनों पहले कुछ विधायकों के साथ संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक FIR भी रांची में दर्ज की गई थी, जिसका केस अभी भी शुरू है, लेकिन उसे भी नजरअंदाज कर जिस प्रकार से कोशिश हर विधायकों की, और इसकी में कोशिश में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ऊंचे पद पर एक राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं माननीय विधायकों से सीधा संपर्क कर रहे हैं, केंद्र के मंत्री उन्हें आतंकित और धमकाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे लॉ विभाग की जिम्मेदारी जिन माननीय मंत्रियों पर है, जिन अधिकारियों पर है, वो हमारे MLOs को डराने की, धमकाने की, ED की धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीज के चलते हुए साथियों, पिछले दिनों आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। ED का पूर्ण दुरुपयोग करते हुए महाराष्ट्र में एक सत्ता परिवर्तन किया गया। आज 31 दिन पूरे होने जा रहे हैं, आज तक वहां का मंत्रिमंडल क्यों नहीं बन पाया। स्पष्ट है कि जिस असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से वहां पर सरकार बदली गई, आज के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री स्वयं इस चीज को लेकर चिंता में है कि अगर मंत्रिमंडल घोषित किया गया तो ये शायद हफ्ता भर भी नहीं टिक पाएगा। पिछले दिनों आपने देखा मध्य प्रदेश में इसी प्रकार से चुनकर आई हुई सरकार को अपदस्त किया गया। छत्तीसगढ़ में पिछले कई महीनों से इनकम टैक्स ED की सतत एक जैसी टीम बैठाल रखी है कि किसी तरह के वहां के सरकार को परेशान किया जाए, वहां के विधायकों को आतंकित किया जाए और वहां की सरकार को अस्थिर किया जाए। राजस्थान में किस प्रकार नंगा नाच हुआ आप सबने देखा, एड़ी चोटी लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो वहां के विधायकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपने ईमान को सुरक्षित रखा और उनके इस योजना को विफल किया। गोवा में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, अरुणाचल में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, जिस ओर आप नजर डालें आप इस चीज को देखने में आश्चर्य होता है कि इन 8 सालों में जो रिकॉर्ड बनाया गया है और वो और ऊंचाई पर पहुंच रहा है, जहां पर लोकतंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर ना ही सिर्फ माखोल उड़ाया जा रहा है, लेकिन जनता के उस विश्वास को जिस लोकतंत्र प्रणाली के चलते हुए चुनाव प्रणाली पर विश्वास रखकर इस देश की जनता जिस सरकार को चुन कर देती है, मानो आज के वर्तमान सरकार ने माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये कसम खा रखी है कि संविधान और लोकतंत्र परंपराएं, मूल्य, लोगों की भावना सब एक तरफ हो, इन प्रकारें गैर भाजपाई सरकारों को अपदस्त कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया जाए। लानत है उन विधायकों को जो बिकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लानत उन लोगों पर है जो इन विधायकों को, इन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं। अगर पैसों से नहीं तो उसे भावनात्मक तरीके से आतंकित कर
अपना दल छोड़ने के लिए मजबूर करने करने का प्रयत्न करते हैं। निश्चित रूप से जिन विधायकों ने ये कृत्य किया है, पार्टी उन पर सख्त से सख्त कदम उठाएगी, लेकिन साथ ही साथ ये सबक होगा देश के उन तमाम विधायकों को कि अपने जमीर को, अपनी आत्मा को, लोगों के विश्वास को, जो उन्हें बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आप पर रखा है, कृपा करके उसकी सुरक्षा करने का आज सबसे बड़ा दायित्व, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, वहां पर आज के चुने हुए इन विधायकों का है। मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, उसके चलते हुए अगर लोगों का विश्वास प्रजातंत्र, चुनाव तंत्र से अगर उठ गया और अगर ये विश्वास बैठ गया कि भले ही लोग किसी को भी चुनकर दें, Right, so the Congress, they're holding a briefing on the cash haul, which was found near Kolkata. This huge stash of cash, which was found in a car along with three Jharkhand Congress MLAs inside a car near Kolkata in Howrah area in Bengal. And the Congress, they're essentially saying they will, of course, take action on their own MLAs who were found in that car, but essentially said that this is part... alleging over here that this is part of Operation Lotus, an attempt by the BJP to try and topple the Jharkhand government in the Soren government in Jharkhand there, and essentially saying that their MLAs have been constantly threatened and there has been attempt by the BJP constantly trying to destabilize several governments or several opposition governments, including the government there in Jharkhand. Right, and let's take a look at what this story is exactly about. Now, three Jharkhand Congress MLAs, as we said, were nabbed with a huge stash of cash in a car in Howrah near Kolkata. The Bengal cops who traced the car said they have nabbed MLAs Irfan Ansari, Rajesh Kachhap and Naman Biksal with huge amounts of cash. However, there's already a political storm, as we've seen, brewing over this cash recovered. Congress is alleging it was BJP's bid. We just saw their press conference a short while back, alleging Operation Lotus in Jharkhand. Trinamool Congress has also weighed in because, remember, it was in Bengal, near Kolkata, where the stash of cash was recovered in a car. They are saying, will the central agencies now wake up, take note, or are these rules of doing probes and investigations only meant for a few, mainly the opposition leaders? That's what the TMC is saying. However, BJP has hit back. Bengal BJP MP Arjun Munda just reacted a short while back, saying that the Congress party has a habit of levelling baseless allegations against others to cover up their own issues, and that they must answer on their own MLAs as to where this cash came from. झारखंड सरकार को भी अस्थिर करने की साजिश रची गई है, तमाम उन राज्यों की तरह जहां पर गैर भाजपा शासित राज्य थी और जिनको अस्थिर किया गया, आज एक प्रयास झारखंड में भी किया गया है, लेकिन ये प्रयास उनका विफल साबित हो रहा है। आने वाले समय में सब कुछ साफ होगा, हम पूरी जानकारी ले रहे हैं कि अभी इस पूरे घटनाक्रम की, तो निश्चित रूप से ये बात तो बेहतर विधायक ही बता पाएंगे किस स्थिति में और क्या उनके पास जो पकड़ा गया है वो कैसे पकड़ा गया है या किसका पैसा है, ये तो वही बता पाएंगे। जब से यहाँ सरकार बनी है, झारखंड राज्य में किसी से छिपा हुआ नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और स्वाभाविक है कि इससे पहले भी झारखंड में भी बड़े पैमाने पर पैसे पकड़े गए हैं। आपने समाचार पत्र माध्यम टीवी चैनल में देखा, पदाधिकारियों के यहाँ, पदाधिकारियों के अधीनस्थ रहने वालों के यहाँ काफ़ी मात्रा में पैसे पकड़ाए गए हैं। स्वाभाविक है, जिस पैसे जनता का विकास होना चाहिए वह काम नहीं करके लोग अपनी गाड़ी, जनता की गाड़ी कमाई को जगह जगह लोग खपाने का काम करें, उसी निमित्त पुलिस ने पकड़ी होगी तो इसे सामने आएगा। By my colleague Adrija, who's been tracking this. Adrija, we just saw the Congress there essentially talking about how they believe that this was an attempt to topple the Jharkhand government, and that it is essentially
They feel that it was a part of Operation Lotus, a conspiracy being hatched by the BJP to destabilize the government in Jharkhand. But what are the sources as far as the investigation into this entire, this root cause of where the money was coming from? What were the MLAs doing in that car in Howrah with that money? Are the cops in Howrah or Kolkata saying anything? The local police station where the three MLAs are detained at the moment is near the area of Uluberia Howrah, which is the district right beside Kolkata. And this huge amount of cash, the machines, as they said last night, were being brought in to count. The number, final count, is not in as of now. But what the political conflict that has been going on at the moment is that even, the Congress MLAs, the Jharkhand president, as we have seen, have said that this is an attempt of the BJP to topple the government, and not only in Jharkhand, but also all the opposition parties are saying these are the repetitive attempts of BJP to use the central agencies in order to topple governments in all the states that are not ruled by the BJP. Also the Trinamool Congress is making similar claims. Now, what the BJP leaders are saying, on the other hand, is that ED is doing its work, and if in case the opposition leaders come into radar, then it is just the job of the ED. So ED is not targeting anyone. But as we have seen, the Congress along the TMC has been saying that, it is the BJP who is using the central agencies in order to try and disrupt governance in the states, which is not ruled by the BJP. And it is complete, they are alleging that it is completely a conspiracy that has been going on. Right. Adrija, thank you so much for joining us. More break.